वेलकम हो गई है, गुड आफ्टरनून। और आज हमने बनाई है मछली और मूंगी की दाल, बहुत ही सिंपल। नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा और लहसुन डाला है, और उसको कुछ भी नहीं डाला। और लहसुन का तुड़का लगने लगा। और ये तवा, और अब बनाते हैं रोटी। ये देखिए, दो हरी मिर्चें और इस तरह से देखिए दाल का कलर, थोड़ी सी मूंगी की दाल, थोड़ी सी मसूर की, हरी मिर्चें ऊपर से डालेंगे और इस तरह हम तड़का डालेंगे ना। अब जाएगा इसमें हरा धनिया। बिल्कुल माशाल्लाह, अम्मी जी वाली स्टाइल की दाल बनी है। चले अब मैं अपने हस्बैंड को रोटी बना के दूँ गरम गरम, उन्होंने जॉब पे जाना है। अगर इतनी प्यार से हम हंडिया बनाएंगे अपने प्यारों के लिए तो कितनी रहमत, बरकत और मोहब्बत, प्यार बढ़ेगा। काटते हैं सैलेड, दोस्तों मैं चॉपिंग बोर्ड कम ही यूज करती हूँ। सैलेड खाना चाहिए इस मौसम में, समर है पाकिस्तान में तो काफी गर्मी वाला समय। देखिए इस तरह हम पहले पेड़े कर लेंगे, बस इतने इतने नजर। देखिए हम देसी घी घर में बनाते हैं, ल्योरो पैक का बनाते हैं। दाल चिके होता पालो नहीं, दाल थोड़ा जा पा ली ना, इधर तक नहीं चंगी लगती ना, बस थोड़ा सा तो डाल सकते हैं ना। फिर दसियो के किदा दी है। नमक भी मैं रखिया क्योंकि मेरे को नमक ज़्यादा पै जाता। नाल लगो प्याज, नाल फुलका गरम गरम ताज़ी दाल, तो फिर दसो खा के बहुत मज़ेदार बनी। शॉर्ट सी वीडियो है ना, प्याज बहुत मज़ेदार लगा। हाँ जी, चलो फिर मैं बाकी रोटियां बना लूँगा। हाँ जी, बनाओ, वेरी टेस्टी।